सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है, लेकिन यदि एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम तक चलना मुश्किल है। अर्थात बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। कागज के नोटों से आखिर किस किस को खरीदोगे। किस्मत अजमाने के लिए आज भी सिक्का उछाला जाता है। आज का पंचांग 18 मार्च 2021 दिन गुरुवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रात्रि 2:09 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र सुबह 10:34 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 2:04 से 3:34 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:11 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर शाम 5:22 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। तुला राशि, आज आप अपने माता पिता के साथ तीर्थ स्थान पर जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं। अपने मित्र की व्यवस्था भी करनी पड़ सकती है। छात्रों को परीक्षा की अति एकाग्रता के लिए अधिक एकाग्रता की आवश्यकता पड़ेगी। यदि कोई संपत्ति का विवाद चल रहा है तो स्थिति आज आपके पक्ष में नजर आएगी। नौकरी व कार्य क्षेत्र में अधिकारी वर्ग का पूरा सहयोग मिलेगा। घर के जरूरी कार्य रुके हुए थे, आज उनको पूरा करने का समय मिलेगा। संतान से आज कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। पारिवारिक संपत्ति का भी लाभ उठाएंगे। यदि कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उनमें भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। व्यापार को सुधारने के लिए कुछ परिवर्तन करने होंगे, तभी उन्नति के अवसर बनेंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत भी होगी। व्यवस्था के बीच में प्रेम जीवन के लिए समय निकालें और उनके साथ अधिक से अधिक समय गुजारना पसंद करेंगे। आज आप सामाजिक कार्य में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। प्रभावशाली निर्णयों पर ध्यान देने की जरूरत है। इन दिनों बिक्री या खरीदी की भी संभावना है। अगर किसी रिश्ते में नहीं है तो अभी शादी के योग है। किसी दुर्घटना के कारण आप किसी आर्थिक झटके का सामना कर सकते हैं। अपने रोजाना की दिनचर्या में मेहनत करना जारी रखें। आपके प्रयासों को देखा जा रहा है और उनकी सराहना की जा रही है। गपशप से बचें, खासकर उन लोगों से और उनके बारे में जो आपके पक्ष में नहीं है। उन जगहों पर शांति स्थापित करें जहां इसकी सबसे अधिक जरूरत है, मतलब घर पर। उनके साथ उन्हें आप प्रेम करते हैं, इस समय आप अपने विचारों पर गर्व भी करेंगे और उन्हें दूसरों के साथ शेयर करने में आपको आसानी होगी। आपकी सोच सामान्य से अधिक रचनात्मक है। इस समय आप ऐसे खेलों में दिलचस्पी रखेंगे जिनमें दिमाग का प्रयोग होता है। आपके दोस्तों और आपका जीवन साथी भी आपकी सराहना करेंगे। आपका अद्वितीय दृष्टिकोण, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएंगी। आप अपने विवेकी व्यवहार के चलते व्यवसाय से बेहतर आके जाएंगी, लेकिन बीच बीच में किसी कारण से क्रोध आ सकता है जिससे लोगों की विचारधारा आपकी प्रति बदल सकती है। कार्य व्यवसाय अथवा निवेश संबंधित मामलों में अपने निर्णय औरों पर थोपने पर विचार मतभेद थोपने पर वैचारिक मतभेद बढ़ेंगे। सावधानियां, आर्थिक रूप से दिन मिला जुला रहेगा। आज अचानक धन की हानि भी हो सकती है, ध्यान रखें। बात करते हैं लव लाइफ की।
आपको या आपके साथी को किसी बाधा या कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। किसी चोट या दुर्घटना से संबंधित समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए कानूनी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। अपनी चिंताओं से मुक्ति पाने उस व्यक्ति के साथ नए मामलों में जाने की योजना बनाएं जिसके साथ आप अपना जीवन बिताना चाहते हैं। आपका परिवेश आपको बेहद प्रभावित करता है, इसीलिए उन लोगों के साथ रहें जिनके साथ आप खुश रहते हैं और जो आपको सपोर्ट करते हैं। अनावश्यक प्रतिस्पर्धा में ना पड़े, इसके बजाय अपने रिश्ते की ताकत का मजा लें। इस समय आपके आसपास एक शक्तिशाली और रचनात्मक दिव्य शक्ति है जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। आपकी भावनाएं और रोमांटिक कल्पनाएं आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मानसिक रूप से आप अभी शीर्ष पर हैं। सबके ध्यान का केंद्र बने और आपको वो भी जरूर नोटिस करेगा जिसे आप दिलों जान से चाहते हैं। अपने और अपने साथी के बीच की केमिस्ट्री को महसूस करें। अगर आप किसी के प्रति आकर्षित हैं तो उन्हें अपने पास आने दें। अगर आप परेशान हैं तो अपना सब कुछ अपने साथी के साथ बांटकर देखें। दुनिया आपको जन्नत लगेगी। बात करते हैं करियर की। कार्यस्थल के विवादों से ब्रेक लें। नजरिए में बदलाव की भी संभावना है। ऐसे वातावरण की तलाश करें जो आपके विचारों और संतुष्टि के लिए उपयुक्त हो। हाल में हुई किसी दुर्घटना या चोट से आपको आर्थिक हानि हो सकती है। इसके कारण इन दिनों किसी भी खरीदारी करते समय अतिरिक्त ध्यान रखें। किसी ऐसे पेशेवर की सलाह लें जो इस बात को सुनिश्चित करे कि हर अनुबंध या कानूनी दस्तावेज आपके पक्ष में ही होंगे। इस रोमांटिक रिश्ते या व्यवसायिक कार्य के प्रति यह समय प्रतिबंध होने का हो सकता है। इन दिनों आप लोगों से अधिक मिलना और बातचीत करना चाहेंगे। अभी आपको कुछ ऐसे सुझाव भी मिल सकते हैं जिनसे आपको ठेस पहुंच सके। निराश ना हो, हो सकता है कि आपकी बातें भी किसी को बुरी लगे। सफलता का नुस्खा यही है कि आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से आगे बढ़ें। बात करती है सेहत की। अच्छा, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। हो सकता है आपको सर्दी गर्मी या फिर सांस संबंधी समस्या हो जाए। मदिरापान और शीतल पेय से दूर रहें और ध्यान रहे धूम्रपान से भी दूर रहें। हो सके तो धूल और धुएं से भी दूर रहें। अगर आपको बुखार महसूस हो तो पूरा आराम करें ताकि यह बीमारी दूर हो जाए। आज का उपाय। आज आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।